हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको लेके चल रही हूँ मेरे साथ रानी बाग मुंबई में। जो लोग रानी बाग गए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं गए होंगे उनको आज यहाँ पे रानी बाग मेरे वीडियो से पता चल जाएगा। बहुत ही प्यारा है एक्चुअली वीडियो तो। ये हम तो गए थे नवरात्रि के टाइम पर और वीडियो भी तैयार थी, बट नवरात्रि की रेसिपीज़ के पहले फिर मैं इसको कैसे अपलोड कर सकती थी, है ना। तो बस इसीलिए बस हम लोग निकल गए हैं। यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रही थी। यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो 50 रुपये बड़े लोग के चार्जेस है और छोटे बच्चों के 25 रुपये चार्जेस है। सबसे पहले एंट्री करते हुए ही आपको दिखेगा एलिफेंट, और जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था क्योंकि उसका छोटा बेबी भी उसके बगल में ही खड़ा था। वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने सामने से देखा था, बहुत दूर था, थोड़ी दूर पे था तो पता नहीं चल रहा था। मैं जूम करके दिखा रही हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर तो दिख रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे था जंगल बुक यानी मोगली। जिन्होंने भी देखा होगा तो उनको पता ही होगा। तो मोगली के फ़ैन हमारे घर के सारे बच्चे हैं तो सब बैठ गए फ़ोटो खिंचाने। उसके बाद हमने देखा भालू, और भालू ने यहाँ पर 2-3 है, मतलब देखिए एक जो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और एक, इनकी भी दुनिया कितनी अलग सी होती है ना यार, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अब इमेजिन ही नहीं कर सकते, इंसानों जैसे ही तो ये होते हैं यार, बस इनसे प्यार करने की देरी है। बस चलिए आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ से भालू के बाद हमने सीधा देखा, क्या देखा बताइए, हमने सीधा देखा शेर, और वो भी मतलब उसका इलाका जो था ना वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये रास्ता है जो जाने के लिए शेर के पास, वो आप साथ साथ दिखाते गए। हमने तो सोचा कि हम शेर को नहीं देख पाएंगे, पर फिर अचानक से वो आया उठ के, और ये देखो ये बैठ गया राजा। तो सही बात है भाई, जंगल का राजा तो शेर है ही। बस यहाँ पे अभी देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ना, इसको आगे से मैं जाके दिखा रही थी, ये पानी है इसमें ना ये जंप भी करता है, नहाता है, मतलब सब कुछ अपना करता है वहीं पे। और अब चलो हम लोग ये सारे जो आपको एनिमल्स दिख रहे हैं ये सब हम लोग देखेंगे, जैकल आइना सब करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए झाड़ियों के पीछे यहाँ पे 2 जैकल बैठे हैं, हम आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा मतलब हमने खुद वो जो मिरर लगा हुआ था ना उसके शेडो की वजह से हमें दिख नहीं रहा था। तो एक लोग को खड़ा कराया तो वो जो शेडो आ रहा था वो रुक गया और हमने फिर देख पाए। बस अभी हम लोग चले गए थोड़ा आगे। और यहाँ पर ना मतलब ये जो साथ में था ना, ये जो पैसेज बनाया है यहाँ पे चीता के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस था। और ये देखो यहाँ पे एक चीता, और एक चीता ना अंदर था, वो अंदर ही जाली में ही फेरी मार रहा था। तो हमने सोचा कि लगता है हम नहीं देख पाएंगे, पर जैसे ही हमने राइट की तरफ देखा तो ये देखो ये भाई साहब तो पूरा पोज करके ही बैठे थे हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और आप देख ही सकते हो कितना, और मतलब इसके फेसेस इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या बोलूँ। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि डर नहीं, मतलब क्यूट लग रहा था यार देख के। अभी हम लोग फिर थोड़ा सा आगे आए और हमने हिरन देखा। और अभी आपको बताऊं यहाँ पे ना मतलब पहले से बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ बना दिया है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी कर दी है खाने की लेके। जब से ये पेंगुइन यहाँ पे मतलब आया है ना, पेंगुइन को रखा है ना, तब से यहाँ पे और भी चेंजेस जो है वो यहाँ पे किए हुए हैं। वो आपको, आप आओगे जो कुछ साल बाद अगर आ रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे तो उनको फ़र्क पता चलेगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं पेंगुइन की तरफ, जिसके लिए हम लोग सब बहुत ज़्यादा बेकरार है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको, बहुत लोगों को लग रहा था कि पेंगुइन के लिए अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो आप एंट्री फीस लेते हो उसी में सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है, आपको अंदर जाके कुछ नहीं लेना है। हाँ, लेना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना भी फ्री में मिलेगा, नहीं, खाना आपको ख़रीदना है, खाने के चार्जेस तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे पेंगुइन ना बहुत सारे थे, और अभी एक तो जंप करेगा, मतलब मैंने तो बोला कि भाई तूने मेरे वीडियो के लिए ही स्टंट करके दिखा दिया, थैंक यू सो मच। मैं तो अंदर से इतना उसको थैंक्स कर रही थी। इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई मैंने, शॉर्ट्स के लिए भी बनाई है, और वो भी आपको देखने मिलेगा मेरे वीडियोज़ पर, तो ज़रूर से देखिएगा। और यहाँ पर मतलब ना हम लोग तो मतलब जिस दिन गए थे यहाँ पे वेज वगैरह, हमने तो वेज ही खाया क्योंकि नवरात्रि चल रही थी, तो जाहिर सी बात है कि नॉन वेज तो खा नहीं सकते, तो हमने वेज ही खाया था। तो मुझे आइडिया नहीं कि वहाँ पे फूड कोर्ट में नॉन वेज भी था कि नहीं, पर होगा होगा डेफिनेटली होगा। हमने ट्राई नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, बट हाँ फूड कोर्ट में सारी चीज़ खाने की थी। और ये देखो जो जहाँ पेंगुइन देखोगे ना, वहीं से आप जैसे ही एग्जिट करोगे ना तो वो गेट ही उन लोग ने जॉइंट रखा हुआ ही है कि आपको दिखेगा ही दिखेगा ये फूड कोर्ट। और ये फूड कोर्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, तो मतलब एक बार जाना तो बनता है, नहीं तो फिर आगे भी आपको एक छोटा फूड कोर्ट है जो मैंने वीडियोज़ में दिखाए हैं, नहीं दिखाए तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर चेक करिएगा। अब ये हम निकल गए। अरे आज वीडियो बना रही है। हाय गाइस, हाय गाइस,
सो यहाँ चल रही थी बच्चों की मस्ती और फिर हम चले गए गिरगांव चौपाटी और यहाँ पे हम लोग बस ऐसे प्यारा सा वॉक कर रहे थे थोड़ा सा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो में कहीं भी कुछ भी पता चला या मतलब हेल्प हुई हो, अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अपने फ्रेंड्स फैमिली आपकी सब देख पाए। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को मतलब प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो के लिए, व्लॉग के लिए, रेसिपीज़ के लिए बने रहिए निधिस किचन पे। फिर मिलूँगी आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और रात हो गई और ये लीजिए सफ़र का नज़ारा, देखते देखते हम पहुँच गए घर। तो चलिए फाइनली बाय बाय, गुड नाइट।